द्विघात समीकरण के श्री धनोचार्य विधि को सीखेंगे। श्री धनोचार्य ने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र प्रदान किया जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, इसे श्री धनोचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अब एक द्विघात समीकरण है, सर चेक कर लीजिएगा, बाद में काम नहीं कर रहा होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। श्री ध्रुवाचार्य ने सूत्र को कैसे दिया, इस सूत्र को कैसे निकाला, इसके प्रमाण को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे हल करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस सी लिखते हैं। अब यहां मेरे पास दो ऑप्शन है, ए को हम गुना कर दे दोनों तरफ या ए से हम भाग करें दोनों तरफ। आपके पास दोनों विकल्प है, आप किसी भी विकल्प का सहारा ले सकते हैं। चलिए हम यहां भाग करके देखते हैं, दोनों तरफ ए से भाग करेंगे। अपोन ए बी एक्स अपोन ए माइनस सी अपोन ए, एक्स स्क्वायर माइनस बी बटे एक्स माइनस सी बटे ए। अब इसे हम द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स, इसे संतुलन में रखने के लिए बी बटे टू ए दो से मल्टीप्लाई किया, दो से डिवाइड भी किया, बी बटे टू ए का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ते हैं और बराबर के दूसरे तरफ भी जोड़ते हैं। साथियों अब इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इस रूप में लिखा जाता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाय ए। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब आप एक्स प्लस बी बटे टू ए बराबर लिखेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे फोर ए स्क्वायर। इसके साथ में दो मान लूंगा, एक प्लस और माइनस, एक्स बराबर माइनस बी बटे टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है टू ए, एलसीएम लेते हैं टू ए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, यानी टी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसे विवेचक कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अब इसका दो मूल आ गया, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे टू ए और माइनस बी माइनस रूट डी बटे टू ए। धन्यवाद साथियों।